ऊर्जा को लेकर विपक्ष लगातार हमले बोल रहा है, खासतौर पर तब जब मध्य प्रदेश में ऊर्जा की दरों को लेकर घमासान मच रहा है। मध्य प्रदेश का सौर ऊर्जा विभाग इसमें क्या कर रहा है, सीधे बातचीत करेंगे मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष से, हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं। सर, सबसे पहले जानना चाहेंगे, बात बड़ी बड़ी की जाती है लेकिन सोलर पैनल्स हमें आम लोगों तक तो उसकी पहुँच दिखाई नहीं देती है। देखिए, आम लोगों तक सोलर की पैनल जल्दी पहुँचेगी। आज दुर्भाग्य से जो हमारी टेक्नोलॉजी है, विश्व की टेक्नोलॉजी, उसमें सोलर पैनल का हम 30% से ज़्यादा बिजली पैदा नहीं कर पाते। ये टेक्नोलॉजी थोड़ी सी विकसित हुई तो फिर ये आम लोगों तक पहुँचेगी। परंतु एक बड़ी बात हुई है, हमने कि अभी 750 मेगावाट का रीवा में सोलर पावर प्लांट डाला है ऊर्जा विकास निगम की कंपनी के द्वारा, और ये पहली बार हुआ है कि उसके रेट 3 रुपये मेगावाट पे आ गए। मतलब आज बिजली के जो रेट हैं उससे सोलर के रेट नीचे चले गए। इससे आम लोगों को सीधा लाभ मिलने लगेगा। पहले एक बीच में ये भ्रांति थी, क्या सच्चाई भी है कि सोलर की बिजली बहुत महंगी बनती थी। 18 रुपये से रेट शुरू हुए थे, 18 से लेके 8 तक आ गए, 8 से लेके अपनी सरकार ने कोशिश की तो अपन 4-4.5 पे पहुंच गए, और अब सरकार के ही प्रयास थे क्योंकि हमने उसमें काफ़ी सुविधा ढूंढी है तो 3 तक पहुँच गए। 3 तक जो रेट पहुँचे, इस ये विश्व का सबसे निचला रेट, और इसके कारण पूरे देश में जितने सोलर के टेंडर हो रहे थे सबको केंद्र सरकार ने रोका। मध्य प्रदेश का उदाहरण दिया और ये उदाहरण दिया कि वहाँ की सरकार के बेहतर प्रयास के कारण सोलर के रेट यह हैं, ऐसा पूरे देश को करना चाहिए। विजयन जी, आम लोगों की अगर समझ के अनुसार कहा जाए तो कब कम दरों में बिजली की जो उपलब्धता रहेगी, सोलर पैनल जो हैं आम लोगों को सब्सिडाइज रेट में कम से कम कब मिलेंगे, या कुछ सरकारी विभागों में भी कुछ आप लगाने की योजना बना रहे हैं? देखिए, एक तो सोलर पावर पैक की योजना हमारी, इसको नेट मीट्रिक प्रणाली बोलते हैं, ये आम लोग भी लगा सकते हैं और जनरल भी लग सकता है, शासकीय उसमें भी लगा रहे हैं। इसमें नेट मीट्रिक प्रणाली में 2 मीटर होंगे, एक बिजली बनाएगा जो बिजली भाग को करंट जाएगा मीटर, और एक आप खर्च करोगे, दोनों महीने के आखिरी में टोटल हो जाएगा। उसमें अगर आपने ज़्यादा खर्च किया है तो आपको बिजली विभाग को पेमेंट करना है, और अगर आपने कम खर्च किया है तो आपको बिजली विभाग से लेना है। ये एक बहुत बड़ा उत्साहवर्धक अभियान है, और अभी तो हम मध्य प्रदेश के सारे कलेक्ट्रेट ऑफिस कर रहे हैं क्योंकि उनकी खुद की बिल्डिंग है आसन, और आने वाले साल में अप्रैल में और ज़्यादा डिटेल में लेकर आम लोगों तक हम इसको ले जाने वाले हैं। एक अभियान के तौर पर कि जहाँ पे जनता तक सोलर पैनल की पहुँच हो जाए, जनता तक सौर ऊर्जा के जितने भी उपकरण हैं वो पहुँच जाएँ, सोलर कुकर हमने बचपन में काफ़ी सुने थे, ये तमाम जो चीज़ें हैं, क्या आपको नहीं लगता कि उसको बहुत बड़े अभियान के तौर पर जनता तक पहुँचाया जाना चाहिए, क्योंकि एक वैकल्पिक सोर्स जो है उसको डेवलप किया जाना चाहिए? ये आपने जो सवाल उठाया ना, इस सवाल को ही उठा के हमने जो प्रयास किया, इस देश में खाली मध्य प्रदेश एकमात्र है पूरे भारत में जिसके सोलर साफ हैं, नहीं तो किसी भी ऊर्जा विकास निगम के सोलर साफ नहीं है। मध्य प्रदेश के 222 स्थान पर हमने सोलर साफ खोले हुए हैं, उनको हम दुकान खोलने का 10,000 रुपये महीना देते हैं, बाकी पब्लिसिटी का खर्च उनका अलग हम वहन करते हैं। उसके कारण ऐसा कोई जिला नहीं है जहाँ 2 या 3 सोलर साफ नहीं है और आसानी से सामान नहीं मिलता। एक बात तो भी किसानों को तक सोलर पहुंचे आसानी से, उसकी जानकारी पहुंचे, किसानों को लाभ पहुंचे, इसके लिए हमने 17,000 मोटरों के टेंडर किए किसानों के हित में। इसमें माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी का बड़ा रोल है, उनकी बहुत इच्छा थी और उनने काफ़ी प्रयास भी किया, और 17,000 मोटर होना बड़ी बात है। उसमें 5,000 पास पावर की मोटर को हम 85% सब्सिडी दे रहे हैं, और 3 हॉर्स पावर की मोटर को 90% सब्सिडी दे रहे हैं। और इसमें बिल्कुल सामान्य सा फार्मूला है, किसी वर्ग संप्रदाय भेद जाति किसी तरह का भी किसान हो, छोटा हो बड़ा हो, उससे हमने अंतर नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा है कि उनके यहाँ बिजली की लाइन नहीं होना चाहिए, अगर बिजली की लाइन नहीं है तो उनको मिल जाएगा, या बिजली का खंभा उनसे 1,000 फुट दूर है
तो उनको आसानी से मिल जाएगा। खाली दो छोटी कंडीशन है, उससे किसानों का बड़ा लाभ होने वाला है। सवाल यहाँ पे पॉलिटिकली जरा उठता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के आरोप है कि जो प्राइवेट कंपनीज है उसको फायदा पहुंचाने के लिए सोलर जो ऊर्जा है उसको मध्य प्रदेश सरकार तेजी से आगे बढ़ने नहीं देना चाहती, क्योंकि फिर प्राइवेट कंपनी से बिजली खरीदी का जो बड़ा घोटाला है, कमीशन खोरी है, वो कहीं ना कहीं रुक जाएगी। आज आम आदमी पार्टी ने भी इस पर काफी बड़ा हंगामा किया है, कांग्रेस ने भी लगातार इस मुद्दे को विधानसभा में भी उठाया है। मैं कई बार बोलता हूँ, मेरी बात मेरे कांग्रेस के लोगों को या आम आदमी पार्टी को शायद बुरी लगती होगी, आरोप लगाने के पहले पढ़ना चाहिए भाई साहब, पढ़ना लिखना चाहिए। जो विश्व की बैठक हुई थी सोलर के संबंध में, उनने कंपलसरी किया है कि जितना बिजली का खर्चा आपका होता है प्रांत का, उसकी 0.2% बिजली सोलर से या विंड से बनाना आवश्यक है। उसको कोई रोक ही नहीं सकता मध्य प्रदेश और देश में, इसलिए वो तो बनती है। तो उसमें कहाँ सोलर को पीछे धकाने की बात हो गई, उसको सोलर को पीछे धकाने की बात तो हुई नहीं। आज की स्थिति है कि मध्य प्रदेश में जो बिजली है वो सरप्लस बनती है, वो बिजली स्टॉक नहीं होती। या तो आप खर्च करो, या खर्च अगर आप नहीं करते हो तो वो बिजली खत्म हो गई, कोई काम की नहीं रहेगी, उसका स्टॉक तो होता ही नहीं है। और इसलिए हमने कई जगह काम रोका हुआ है, उतनी बिजली हम बनाते जितनी हमारे उपयोग में आती है, तो इसमें कहाँ गड़बड़ की बात हो गई। बहुत ऊर्जा विकास निगम के अध्यक्ष ब्रिजेंद्र सिसोदिया जी एक्सक्लूसिव बातचीत करते हैं, लेकिन बड़ा सवाल अभी भी कायम है कि क्या जनता तक कम रेट की बिजली उपलब्ध हो पाएगी। सरप्लस स्टेट मध्य प्रदेश कहा जाता है, तो क्या मध्य प्रदेश देश में उन राज्यों में शुमार होगा जहां पर बिजली की दरें सबसे कम है? मेट्रो तक हम सोलर एनर्जी पहुंचाते हैं, दिल्ली के मेट्रो तक, लेकिन क्या मध्य प्रदेश के एक एक घर तक वो सोलर एनर्जी पहुंच पाएगी? देखना बेहद जरूरी है। कैमरामैन कुलदीप के साथ आशुतोष, इंडिया फर्स्ट न्यूज़, भोपाल।